तो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दिवाई बाइल्स। आज दी वीडियो दे विच आपा प्रॉपर एनालाइज करते हुए जावांगे भी साढ़े पांच ते केड़े स्टूडेंट स्टक कर जांदे आ ते केड़े स्टूडेंट ओ ने भी जिहड़े 8 मिंट लै जांदे आ। भी आपा कंपेयर करांगे भी साढ़े पांच वाले दी राइटिंग कैवें दी हुंदी आ ते 8 बैंड वाले दी कैवें दी हुंदी आ। तुहानू बहुत चीज़ां सीखण नू मिलणगियां इस वीडियो दे विच। एंड तक देखियो कुछ भी स्किप किए बिना, ठीक है, प्रोपर एनालाइज करते जावे। प्लीज़ उस तो पहला चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक तो शेयर करना ना भुल्यो। सो आप देखते हैं सर ना पहला। सो सर ना पहली चीज़ जी होंगी होंगी भी स्टेटमेंट की कह रही है उन्होंने अच्छे तरीके एनालाइज करना तो प्रोपर तरीके प्लैनिंग करनी। तो सर ना पहला आप देखते हैं स्टेटमेंट की कहती। स्टेटमेंट कहती सम पीपल से डैट वी डू नॉट नीड प्रिंटिड न्यूज़पेपर एनीमोर। भी कुछ लोग कहते हैं भी आपां नूं हुण प्रिंटिड न्यूज़पेपर यानी कि अखबार वगैरह की कोई लोड़ नहीं। कहिंदे भी अखबारां दा जमाना गया, छड्ड दो अखबारां नूं। ओके, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री। टू वट एक्सटेंट दूजी चीज़ आपां देखनी आ भी टाइप की आ। टाइप हैगा टू वट एक्सटेंट, तुसीं इस गल नाल किस हद तक एग्री हो। सो टू वट एक्सटेंट वाला ऐसे जिहड़ा हुंदा उह तीन तरीकिआं दे विच लिखा जा सकदा, लार्जली एग्री, लार्जली डिसएग्री एंड द लास्ट वन इज पार्शली एग्री। ठीक है, हुण इहदे विच की आ, कोई गल नहीं, मैनूं पता स्टूडेंट्स नूं सौखा टॉपिक आ, पॉइंट भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुंदी। ठीक है, स्टूडेंट लिख भी दूगा, बट गलतियां की करती है एक साढ़े पांच बैंड वाला जिहड़ा स्टूडेंट आ वह इंट्रो। सर ना पहला इंट्रो की गल करांगे, इंट्रो किहड़े तरीके नाल लिखदा। साढ़े पांच बैंड वाला स्टूडेंट पहला की करूगा, एक जनरल लाइन सोचूगा आपदे माइंड दे विच। जनरल लाइन, जनरल लाइन उहनूं पता वा भी हाँ भी हुण अखबारां छड्डतियां, मतलब ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन मतलब टैक्नोलॉजी की कोई जनरल लाइन सोचा। इन दिस एरा टेक्नोलॉजी इज फ्लोरिशिंग एट द हाई पेस एंड इंडिविजुअल आर टोटली डिपेंडिंग ऑन ऑटोमेटेशन। ओके, सो ये उन्हें इतों तक जनरल लाइन लिखती तो किड्डी वधिया लाइन आपां लगता वाह यार किड्डे तगड़े वर्ड यूज़ किए, फ्लोरिशिंग, टेक्नोलॉजी है ना, ऑटोमेटेशन, एवें दे किड्डे तगड़े वर्ड यूज़ किए, वाह जनरल लाइन लिखती। ओके, जनरल लाइन लिखती, फिर वो पैराफ्रेजिंग करता, पैराफ्रेजिंग सम पीपल उन्होंने लिखा ग्रुप ऑफ पीपल एडवोकेट डैट वी डू नॉट रिक्वायर प्रिंटेड मीडिया दीज डेज। पैराफ्रेजिंग करती, वाह जी वाह, इतों तक पैराफ्रेजिंग भी बहुत वधिया की। दैन वो आ जाता लास्ट एंड फाइनल थीसिस ते, आई एम पार्शली एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट एंड द एसे विल डिस्कस द declarations in the upcoming fragments in the last I will give my point of view। so ए बच्चे ने की किया, पहला उन्हें जनरल लाइन लिखी, दैन पैराफ्रेजिंग करती, दैन लास्ट के थीसिस पाती। ये तीन चीज़ा बच्चे पाते ही पाते हैं, बट जिहड़ी मेन चीज़ की आ मैं सीधा तो पंजाबी दे विच दस देवां, एवें दी इंट्रो दे तुहानूं साढ़े पांच ही बैंड मिलने आ। जे तुहाडे माइंड दे विच ए वा भी इहदे विच तां बहुत तगड़ी वकैब सी, एवें दे फ्रैगमेंट्स वाले वर्ड सीगे, एडवोकेट वर्गे वर्ड सी, बट ए जिहड़ी इंट्रो है टोटली रोंग इंट्रो आ, टोटली रोंग। रोंग क्यों आ, मैं हर एक चीज़ ऑफिशियल वैबसाइट के अकॉर्डिंग करूँगा, आई डी पी के अकॉर्डिंग करूँगा, कोई भी फोकियाँ फटा नहीं मारूँगा। भी क्यों आ, मैं ये थोड़ी सीधी गल दसा, जी जनरल लाइन आ एक मैमोराइज लाइन आ, थीसिस लाइन आ ये भी मैमोराइज लाइन आ। ठीक है, जे तुसी सोचते हो भी जनरल लाइन तो थीसिस लाइन लिख के तुसी साढ़े पाँच तो प्लस चल जाओगे, नहीं जाते। ठीक है, ये लाइन आ मैमोराइज लाइन वा, मैमोराइज लाइन लिखन दे, लाइनस लिखन दे थोनू जीरो बैंड मिलणगे। ये गल मैं नहीं, ये बैंड डिस्क्रिप्टर कह रहा, बैंड डिस्क्रिप्टर खोलो, उदे ते टास्क रिस्पोंस नाम का एक चीज़ हुंदी है, थोनू पता होगा थले जीरो बैंड दे नाल की लिखा हुआ जरूर देख लो भी मैमोराइज रिस्पोंस ते थोनू जीरो बैंड मिलणगे। सो जिहड़ा बच्चा जनरल लाइन लिखदा वह छड्ड दो, जनरल लाइन दे ना ही थोनू बैंड मिलने, थोड़ा इंप्रैशन ही डोन जाना। सीधी दी सीधी आपदी पैराफ्रेजिंग करिया करो, पैराफ्रेजिंग भी कैवें करनी आ, वर्ड चॉइस वधिया रखनी है नैचुरल। हुण एडवोकेट्स एवें दे वर्ड है ना, फ्रैगमेंट्स ये आपदे बल्लियों ही बनाए हुए आ, ये एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हां नूं यूज़ करोगे तो ये सिर्फ ना एवें लगता वा भी जिवें कंप्यूटर बोल रहा होवे, है ना, कंप्यूटराइज चीज़ा है ना, मैमोराइज चीज़ा, ये नैचुरल चीज़ नहीं। बैंड मिलणगे थोनू नैचुरल चीज़ दे, सीधे तो स्पष्ट शब्दों के जो तुसीं चीज़ां लिखनिया शुरू करतियां उहदे बैंड मिलणगे, जो चीज़ उन्होंने पूछी आ वो लिखती वो बैंड मिलणगे। सो बैंड कि मिलणगे आओ थोनू दसते हैं। सर ना पहला देखो टॉपिक थोनू बच्चों क्लीयर आ, हुण तुसी इंट्रो शुरू कैवें करनी आ। मैं हमेशा अपने बच्चों यही कहना भी तुसी जे इंट्रो शुरू करनी आ तो नॉर्मल वर्ड इट इज़ एवें दे वर्ड्स तो शुरू कर दो, कदे भी एवें दे मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एरा, इन दिस एरा एवें दे वर्ड ला के यूज़ करोगे तो अगले नूं लगना ये रट्टा मार के आया।
सो हुण मैं इंट्रो कैसे लिखी, मैं लिखी इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल, सम पीपल नूं मैं लिखता इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल, जमा सिंपल हर एक बच्चा लिख सकता। डैट प्रिंटड न्यूज़पेपर नूं मैं प्रिंटड न्यूज़पेपर ही लाया, मैं कोई इहदे च सिनोनिम यूज़ नहीं किया। बाय प्रिंटड न्यूज़पेपर आर नोट मच प्रैफर्ड बाय द पीपल इन दीज डेज, बस ये लाइन मैनू नहीं लगता भी कोई भी बच्चा एवें होगा जिहड़ा इन्नी क भी इंग्लिश नहीं लिख सकता। यही चीज़ तो आप लिखनी है ना, जदों तक नैचुरल चीज़ नहीं लिखोंगे बैंड नहीं होने। मैं लिखा भी इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल डैट प्रिंटड न्यूज़पेपर आर नोट मच प्रैफर्ड बाय पीपल इन दीज डेज, कुछ भी नहीं, सिंपल पैराफ्रेजिंग। सैकेंड चीज़ की करनी है, तुसीं कोई थेसिस नहीं लिखनी, सिर्फ सीधा डायरैक्ट क्वेश्चन का आंसर देना। थोनू क्वेश्चन पूछा भी तुसीं इस गल ना किस हद तक एग्री हो, पहला आपका दसो भी मैं एग्री हाँ या डिसएग्री, दैन उहदे पॉइंट्स क्लीयर करो जे तुसीं एग्री हो क्यों एग्री हो, जे तुसीं पार्शली एग्री हो क्यों एग्री हो। एवें नहीं लिख के छड़ना भी मैं अगले बीपी दे विच दसूंगा ये दसूंगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत आ। हुण मैं लिखिया कैवें, मैं लिखिया आई एम पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं पार्शली एग्री हाँ। हूँ मैं पार्शली एग्री हाँ मतलब मैं एग्री वाली साइड भी हाँ तो मैं डिसएग्री वाली साइड भी हाँ, तो मैं वो चीज़ा क्लीयर करके जाऊँगा इंट्रो च। मैं लिखा ओदो द पीपल्स बिकम सो बिजी इन देयर स्कैड्यूल, मैं क्या भी क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना छड़ता, क्योंकि पीपल की आ बिजी हो गए आ अपने स्कैड्यूल दे विच, उन्हां को टाइम है नहीं गा, कमां करां च लगे रहिंदे आ। फिर भी है ना बट वी कैन नॉट इगनोर द एडवांटेज, फिर भी न्यूज़पेपर की एडवांटेज नूं इगनोर नहीं कर सकते। एडवांटेजेस कैवें दियां, मैं ये भी कह के नहीं छड्डिया भी एडवांटेजेस नूं इगनोर नहीं कर सकते, जिहड़ियां मैं अगे दसूंगा ना एडवांटेजेस भी दस के जाऊँगा। एडवांटेजेस किहड़ियां, रिलायबिलिटी मतलब विश्वासनीय है, मतलब जिहड़ियां सच्चियां खबरां दिंदा, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड चीपर मतलब सस्ता मोड ऑफ न्यूज़। तो मैं ये चीज़ा क्लीयर करके गया वहाँ भी, मैं जे मैं पार्शली एग्री हाँ मैं क्यों एग्री हाँ, जे वो डिसएडवांटेज भी दसी है मैं वो एडवांटेजेस भी दसी है, दोवें चीज़ा मैं इंट्रो दे विच क्लीयर करके दियाँ। तो यही चीज़ जी IDP कहती है, जिन्ना चिर तुसीं एक वैल रिस्पोंस या वैल डेवलप आंसर नहीं देंदे ना, तुसीं टास्क रिस्पोंस ते 8 बैंड ते 9 बैंड ते जाके देख लो भी इंट्रो जे वधिया लिखनी है। तो उन्होंने दस्या होया भी एक तां सीधी सिंपल पैराफ्रेजिंग करो, दूजा वैल डेवलप आंसर दो। तो वैल डेवलप आंसर यही हुंदा जिहदे च हर एक चीज़ क्लीयर करती, मैं अग्री क्यों हाँ, एडवांटेजेस की आ, क्यों लोगों ने न्यूज़पेपर देखना छड़ता, छोटे छोटे पॉइंट्स के ब्रीफली मैं उन्होंने दस के गया इंट्रो। जे एवें इंट्रो लिखोगे 8 बैंड आउणगे, भावें मेरे को अज लिखा लो भावें अपनी वीडियोज़ के थले कमेंट्स चैक कर लिया करो। बड़े बच्चों के सिर्फ वीडियो देख के 6.5-7 आई जाते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासा चलो अपन चल दया ही। सो ये 5.5 बैंड वाले बच्चे की राइटिंग आ, जिदे उन्हें जनरल लाइन यूज़ की आ, पैराफ्रेजिंग च बड़े बड़े वर्ड लाए आ, थेसिस यूज़ की है। तो ये 8 वाली तुम आप देख लो कि सौखी आ। सो ये नॉर्मल लिख सकते हैं, हर एक बच्चा लिख सकता, ये बड़ी नहीं लिखनी, मैं नहीं कहूँगा एवें ना लिखो, 5.5 रह जाएंगे, बड़े किसी के 6 आ जाएंगे, चलो उन्हें कोई अरदास वगैरह की होनी है, बट एवें लिखोगे सौखी भी आ लिखनी तो बैंड भी ज़्यादा आने। सो इंट्रो दे विच ए गलतियां नहीं करनियां किसी भी बच्चे ने, तो एवें ही इंट्रो लिख के आनी है। सो इंट्रो सारे बच्चों क्लीयर हो गई होनी है, हर एक एसे की इंट्रो एवें लिखनी है, पैराफ्रेजिंग डायरैक्ट क्वेश्चन का आंसर, बस कोई थेसिस नहीं, कोई जनरल लाइन नहीं, तो नैचुरल वकैबरी यूज़ कर रही है, ठीक है। हुण आपां अगे गल करांगे अपने एक BP1 नूं कैवें लिखना, ठीक है, चलो लेट्स मूव टू अवर BP। जे आपां गल करिए भी BP मतलब जिवें कि BP नंबर फस्ट आ, एक 5.5 ते रहण वाला स्टूडेंट BP नूं कैवें लिखता। BP दे विच भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज़ां ने जिहड़ियां कि इंट्रो दे विच जिवें गलतियां करते हैं, एवें ही BPs दे विच भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सो की करते हैं, सर ना पहले मिसटेक मैं थोड़ा दसना चाहूँगा, स्टार्ट ही कनैक्टर तो करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनैक्टर्स यूज़ करना, टू स्टार्ट विद, एक दैन फॉर एग्जाम्पल, फस्टली, सैकेंडली, मोर ओवर, टू एक्सप्लेन इट, फस्ट एंड फॉरमोस्ट, एक ही BP दे विच 4-5 कनैक्टर जो बच्चा ला दिंदा वो की हो जाता, ओवर कंपलैक्स हो जाता। इससे कनैक्टर सिर्फ उत्थे ही लगना जिथे लोड़ आ, एवें बेफालतू के कनैक्टर लाने का कोई फायदा नहीं बच्चो। जे तुसी वधिया तरीके नाल ऐसे लिखना तो सिंपली जिथे कनैक्टर लगना उत्थे लाओ। पहला आप देखते हैं भी 5.5 वाला की गलतियां करता। सर ना पहला स्टार्ट करता टू स्टार्ट विद या फिर टू बिगिन विद या टू कमेंस विद, तिने दे तिने गलत आ सिद्धेर, ठीक है। फिर जिवें हुण आ BP वा भी हुण न्यूज़पेपर क्यों छड्डिया जाए, है ना, न्यूज़पेपर क्यों छड्डदे जा रहे लोग। सो प्रिंटड न्यूज़पेपर्स हैव मैनी डीमेरिट्स, पहला हाँ एक आ भी गलती आ, बच्चे स्टार्टिंग लिख देंदे आ, वैसे तो बहुत सारे गलतियां, बट द प्रीडोमिनेंट वन इज दिस,
बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने, बहुत सारे फायदे ने, बट द प्रीडोमिनेंट इज़ वन दिस। सो ये भी गलत तरीका वा यूज़ करन दा, शुरू करन दा बीपी नू। हुण इहदे विच कैवें प्रिंटेड न्यूज़पेपर हैव मैनी डीमेरिट्स एंड द पीपल्स लाइफ, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मैनुफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स फॉर विच मैनी ट्रीज नॉक डाउन विच इनक्रीज द कार्बन रेट एंड इट इंपैक्ट ऑन द नैचुरल वर्ल्ड। हुण बच्चे नू लगदा वी पहला तो मैं पहली लाइन में आही लिख दूंगा भी बहुत सारिया वा, तो बट द फॉरमोस्ट इज दिस, दैन मैं उन्होंने एक्सप्लेन कर दूंगा ये हुंदा नहीं हुंदा, ये गलत हुंदा की आ, वह भी चीज़ सही दसांगे। हुण बच्चे ने पहली गलती करती टू बिगिन विद टू स्टार्ट विद, तो दूजी गलती करती बहुत सारिया में बट द प्रीडोमिनेंट वन इज लेके आ, तीजी गलती फिर उन्हें कनैक्टर्स लाता, चौथी गलती एग्जाम्पल्स कैवें यूज़ करते हैं सर्वे के एग्जाम्पल्स टाइम्स ऑफ न्यूज़ WHO ये वो इन्ने परसेंट इनक्रीज, जमें ये एग्जाम्पल यूज़ किया सर्वे कंडक्टेड बाय WHO शोज डैट रेट ऑफ CO2 हैज़ इनक्रीज 25% ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर मेकिंग द न्यूज़पेपर। ये बहुत वड्डी गलती आ, ब्रिटिश काउंसिल ने तो पहला ही कहता सी, IDP भी हुणे कहिंदी आ भी सर्वे वाले एग्जाम्पल जिहदे दे विच डाटे हुंदे आ परसेंटेज हुंदी आ ओह ना पाओ। सो ये एग्जाम्पल सीधे तरीके नाल छड्ड दो, ठीक आ, स्टार्टिंग नहीं करनी एवें, देयर आर मैनी तो स्टार्टिंग नहीं करनी, एग्जाम्पल्स नहीं पाने, पाना की आ करना की आ वह भी दसांगे। फिर अगला जो भी तुसी पॉइंट लिखते हो सैकंड नहीं ला के चलो इतने तो लोड़ है, एग्जाम्पल से भी लोड़ है कनैक्टर की, इतने मैं मानता ये नहीं मैं कहता नहीं जमें, बट ये चीज़ा गलत आ, स्टार्ट करन दा उन्हों खत्म करन दियां चीज़ां गलत आ, एग्जाम्पल्स पाउन दियां, तुसी सिर्फ तुहाडे माइंड दे विच हुंदा साडी वर्ड लिमिट पूरी हो जाए, हुण आ लाइन दा तो कोई तुक ही नहीं बनता, इत्थों लैके आ लाइन दा कोई तुक नहीं गा, इहदा कोई लेना देना नहीं गा, ये हर एक बच्चा एवें लिखता भी देर आर मैनी देर आर मैनी देर आर मैनी, ये सिर्फ थोड़ी वर्ड लिमिट नूं पूरा करन वास्ते लिखी हुई है, इहदा काम ही नहीं गा। तुसी माइंड नाल सोचो तो सही भी इहदा कोई काम हैगा, ये कोई कोई सिग्निफिकेंस हैगा लाइन दा, या कोई चीज़ नूं शो करदी भी है लाइन, कुछ भी नहीं शो करदी, सिर्फ थोड़ी वर्ड लिमिट नूं उधारी आ। सो मैं हमेशा बच्चे नूं कहना वा बीपी जे स्टार्ट करना एक तां तुसीं किसे भी कनैक्ट तो स्टार्ट नहीं करना, जे ते दूजा स्टार्ट कैवें करना डायरैक्ट पॉइंट ते आओ वी मेन इज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल आ 8 बैंड दे एसे दे विच की हुंदा, कोई टू कमेंस विद नी, कोई टू बिगन विद नी, कोई देयर आर मैनी मैरिट्स देयर आर मैनी डीमैरिट्स मैरिट्स जो भी आ, सीधा द फस्ट रीज़न ऑफ, सीधा फस्ट रीज़न दसूंगा मैं, कोई मैनी मूनी तो शुरू नहीं करता। फस्ट रीज़न ऑफ डिसकनैक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर इज हैक्टिव लाइफ स्कैड्यूल। पहला मेन रीज़न पहली लाइन के ही डिफाइन करता भी हैक्टिक लाइफ स्कैड्यूल होने करके उन्होंने को टाइम ही है नहीं गा भी वह कितों न्यूज़पेपर ट्रेड कर लैन। हूँ इस पॉइंट में एक्सप्लेन करने वास्ते टू एक्सप्लेन टू इलैबोरेट एवें का कोई वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं सीधा लिखा दिस मीनस डैट, इहदा की मतलब आ, वेखो किन्नी नैचुरल जी चीज़ा लिखागा मैं। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल्स स्पेंड देयर मजोरिटी ऑफ टाइम ऑन जॉब्स, हर एक बच्चे नूं पता टाइम है नहीं की लिखना, जॉब्स ते रहिंदे आ, दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर रीडिंग द न्यूज़ पेपर, जमा सिंपल, तो उन्हों को टाइम ही है नहीं जॉब ते रहिंदे आ, तो हर एक बच्चा लिख सकता यार, ठीक है। फिर डैट्स वाई दे आर टर्निंग टुआर्ड द ऑनलाइन मोड ऑफ न्यूज़, इस करके किधर वाल टर्न कर गया ऑनलाइन मोड वाल, क्यों बिकोज, कई लगता बिकोज एवें ही आ, बिकोज नहीं लाना चाहिए, बिकोज जिन्ना वधिया कंपलैक्स सेंटेंस बनाउंदा वा, आ हुण कंपलैक्स सेंटेंस आ मेरा डैट्स वाई तो लैके आ, तुसीं कंपलैक्स पता ही नहीं की कुछ बना देने, आई कंपलैक्स सेंटेंस आ बिकोज ला के, बड़े अच्छे तरीके ने अगले समझा क्यों हो गया ऑनलाइन, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर आ एंड कन्वीनियंट वे आ, किते भी बैठे हो तुसीं चाहे ट्रैवल कर रहे हो तुसीं देख सकते हो, एक मिनट दे विच थोड़ू न्यूज़ इत्थे आजूगा अखबार च, पहला छपूगी फिर आऊगी अगले दिन पहुँचूगी, ज़्यादा फास्टर आ ज़्यादा कन्वीनियंट आ, उन्हां को टाइम है नहीं गा, टोटली एक्सप्लेन हैक्टिक लाइफ स्कैड्यूल वाला पॉइंट। एग्जाम्पल कैसे देने, एग्जाम्पल दो, तुसी परसनल एग्जाम्पल भी जा पा सकते हो, कईयों नूं हुंदा परसनल एग्जाम्पल नहीं पाउणा, आई वी दे नाल पा सकते हो, जनरल एग्जाम्पल पाया करो, सर्वे ना पाया करो। हुण मैं जिहड़ा पॉइंट लिखिया वा भी हाँ भी फास्टर आ कन्वीनियंट आ उसे तरीके नाल ही पाऊंगा ना, सो मैं एग्जाम्पल पाया, हुण इत्थे मेरा पहला कनैक्टर लगा आ, मैं लिखा इंप्लॉयज़ इन USA प्रैफर इंटरनेट न्यूज़ टू अपडेट देयर सैल्फ एवरी मॉर्निंग वाइल ट्रैवल टू देयर जॉब्स एज इट सेव्स देयर टाइम। तो मैं लिखा भी जेडे इंप्लॉयज़ ने USA दे उन्हों को टाइम है नहीं अखबार पढ़न का, सो वो आपदे आप नूं अपडेट करने वास्ते इंटरनेट न्यूज़ देखते हैं जदों ऑफिस दे विच जांदे हुंदे या ट्रैवलिंग करते हुंदे। सो नॉर्मल एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल कोई परसेंटेज नहीं कोई सर्वे नहीं, सो जिहदे करके दूजा कनैक्टर दस इहदा रिजल्ट भी लिखना हुंदा जिहदे नाल सेल ऑफ द प्रिंटेड न्यूज़ पेपर इज़ कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, जिदे नाल सारे बंदे ऑनलाइन हो गए तो जी ऑफलाइन आ जी अखबार आ उन्हां दी सेल बहुत ज़्यादा घट गई आ। सो ये एक 8 बैंड का BP।
कोई बिगन टू नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा वोकैब नहीं, कोई एक्स्ट्रा कनेक्टर नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई सर्वे नहीं, नॉर्मल। मैं कहना भी आप एक बार पढ़ के देखो, तुसी पॉज करके इनू पॉज करके पढ़ के देखो, थोनू समझ लगेगा डिफरेंस भी आ कितना वधिया तरीके ना समझ आ रहा अगले बंदे नू जिहड़ी चीज पूछी है डायरेक्ट उहदे ते फोकस किया होया। बट इहदे विच एक्स्ट्रा चीज़ा एक्स्ट्रा सिर्फ वर्ड लिमिट वधाई हुई है, कुछ नहीं गा पॉइंट ते गल सिर्फ सीधी तरीके ना। सो राइटिंग की आ, राइटिंग ओही आ भी जे तुसी अपने आइडिया नू एग्जामिनर तक अच्छे तरीके नाल सिंपल वे दे नाल नैचुरल वे दे नाल पहुंचाता थोड़े राइटिंग च बैंड आ गए, बेफालतू दी चीज़ां ते फोकस करता राइटिंग क्लीयर नहीं हुंदी। मैं यही चीज़ अपनी ऑनलाइन क्लासां ही दसदा वा हर एक बच्चे नू हर एक तरीके दे सैंपल्स करवाए जांदे आ, भावें अपने डू यू एग्री वाला एडवांटेज डिस्टवानसेज वाला हर एक तरीके ना, ठीक है। बाकी एक मैं थोड़ा वीडियो के इनफॉर्मेशन दे देवा, अपना नवा बैच शुरू हो रहा है जिसे मैं जमा बेसिक तो स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जमा बेसिक तो स्टार्ट करूँगा क्लासेस राइटिंग दी। आप हर एक चीज़ मैं आप खुद कवर करवाना हूँ भी जमा बेसिक तो स्टार्ट करके पीक तक लैके जाऊँगा। क्लासेस जड़ियाँ वो अपनियाँ आई थिंक 6 तो अगले मंथ के 6 तो स्टार्ट हो रही हैं, बच्चों ने जो एनरोल करना तो साढ़े जोड़े नंबर दिते हुए आ, एक तो नंबर हैगा 8168321916 या फिर 9467488225। बाकी थोनू स्क्रीन पर भी शो नंबर हो रहा होना, वो जाके सानू व्हाट्सएप कर दो, थोनू इनफॉर्मेशन मिल जूगी। टाइमिंग रहूगी 6 to 8 ईवनिंग ही, ठीक है। हर एक बच्चे की राइटिंग डेली चैक करते हैं असं, तुसी सानू लिख के भेज सकते हो तो एनालाइज भी करके थोनू दसांगे भी किवें दी राइटिंग आ, की थोड़ी गलती आ। सो एवें तुसी बीपी लिखना, एवें बीपी नहीं लिखना, एवें तुसी बीपी लिखना। सो ये तुहाडी चॉइस आ, तुसी 5.5 लैने के 8 लैने आ, उन्हां चीज़ां नू तुसी अच्छे तरीके ना एनालाइज करया करो, जो चीज़ अगला कह देना उन्हूं ना मन्निया करो, ठीक है। हुण तुहाडे लई एक काम मैं इत्थे दे के जाना भी तुहाडा जिहड़ा टास्क हुण BP2 आ, BP2 दे विच पॉजिटिव लिखने आ न्यूज़पेपर दे, उह तुसी लिखोगे, लिखना कहड़े तरीके ना, इस तरीके ना लिख के भावें सानू भेज दो नहीं तो कमेंट दे विच लिख दो, मैं थोनू दसूंगा भी हाँ भी सही लिखा कि नहीं लिखा। बट एवें नहीं लिखना, वो तुहाडा काम आ, BP1 लिखता मैं, BP2 थोनू लिख देना। बाकी कंकलूजन मैं थोनू दस के जाऊँगा भी कंकलूजन कैवें दा होना चाहिए, उहदे च भी बच्चे गलतियां करते हैं। सो आओ देखते हैं भी कंकलूजन कैवें दा होना चाहिए। कंकलूजन की गल करा, कंकलूजन दे विच ज़्यादा गलतियां तो नहीं बट थोड़ियां बहुत गलतियां ये बच्चे कर रहे हैं, उन्होंने शुरू होर ही तरीके के वर्ड जिवें टू रेपचुकलेट टू कंपेंडियस एवें दे वर्ड्स ला देंगे। देखो मैं सिर्फ कंकलूजन से यही कहना चाहूँगा, कंकलूजन मतलब होंगे सारे ऐसे का निचोड़, जो पहले BP च लिखा जो सैकंड BP च लिखा वो लिख दो, ठीक है। व्यू देना तो दे दो बट ज़्यादा लोड नहीं होंगी, इंट्रो च दे आया करो। हूँ ये बच्चे ने आ वाला वर्ड यूज़ किया, बाकी अगले ने लिखा हो सही आ जिमें उन्हें प्ले इंपोर्टेंट रोल, बाकी ठीक आ मैं इशू नहीं कहता, बट सही तरीके लिखो तो दोनों BP's का निचोड़ लिख दो, ठीक है। हुण इहदे विच एवें दे वर्ड नहीं लाने, तुसीं थोनू जिहड़े कंकलूजन च मेन गलती दसदा वा वर्ड यूज़ ना करो, सिंपली लिख दो टू कंकलूड ड्यू टू, जो मैं पहले च लिखा सी बिजी लाइफ स्टाइल, दूसरे च लिखा सी भी वो अपने रिलायबल सोर्स आते चीपर आते, उही मैं लिखा ड्यू टू बिजी लाइफ स्कैड्यूल इंडिविजुअल एंड निगलैक्टिंग द ट्रडिशनल न्यूज़ पेपर बट इट्स पॉजिटिव लाइक क्रैडिबल एंड चीपर मोड ऑफ न्यूज़ आर ऑलसो अनअवॉयडेबल। फिर भी आप जो पॉजिटिवस आ न्यूज़ पेपर के भी ये चीपर मोड भी आ रिलायबल भी आ क्रैडिबल भी आनू भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो कंकलूजन के सिर्फ इन्होंने चीज़ों का ही ध्यान देना वा, बाकी हर एक बच्चा कोई भी बच्चा एवें नहीं जो राइटिंग नहीं कर सकता, बड़े अच्छे तरीके लिखो राइटिंग, सिंपल लिखो नॉर्मल लिखो, थोड़े आराम ना 6+7 6.5+ जाएंगे। मैं 8-8 बैंड की गरंटी नहीं करता पर 6.5 हर एक बच्चा ले सकता जे नॉर्मल सिंपल राइटिंग लिख के लियाओगे, ठीक है। सो ये सी अपनी अज की राइटिंग की वीडियो। सो ऑनलाइन क्लासा का थोड़ा दस ही दिता, जाओ अपना नवा बैच शुरू हो जाता, जमा बेसिक तो स्टार्ट करावे, जाके साडे बैच के एनरोल होवो, बड़ी वधिया क्लास रहूगी, प्रोपर 2 घंटे की क्लास के हर एक चीज़ क्लीयर करूँगा, चाहे रीडिंग की स्पीकिंग की राइटिंग की, ठीक है। बाकी जो वीडियो अच्छी लगी होवे प्लीज़ लाइक शेयर ते चैनल नूं सब्सक्राइब करना ना भुल्यो, ताकि एवें दी ही वीडियो थोनू अगे भी आउंदे रहन। थैंक यू सो मच।